अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मुझे मिस भी किया होगा क्योंकि मैंने अपने चैनल पे किसी भी तरह का कोई भी रूटीन का व्लॉग जो है वो शेयर नहीं था किया। तो आज इतना अच्छा मौसम हो रहा था, सुहाना मौसम, खुशगवार मौसम, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अच्छी सी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आसमान पे काले काले बादल थे और ये सर सबज़ शदाब आबाद नीट एंड क्लीन रहते तो मेरा दिल किया कि मैं ज़रूर शूट लेके अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ यहाँ का मौसम शेयर करूँ दूँ। तो मूसा भी इस टाइम टेरेस पे खड़ा होकर देख रहा था जी, बाहर बच्चे भी गली में साइकिलिंग कर रहे थे। मैं इसको अभी बाहर नहीं मैं जाने देती इसको, लेकिन टेरेस पे मैं इसको खड़ा कर देती हूँ कि भाई तुम देखो यहीं से इंजॉय करो, बाहर जाना अभी तुम्हें अलाउ नहीं है। मतलब अकेले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बाहर। हाँ, अगर वो कभी वो मेरे साथ बाहर चला जाए या नवीद के साथ अक्सर वो चला जाता होता है, तो अच्छे मौसम में दिल किया कुछ ऐसा खाया जाए जो कि मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। मतलब ये चिकन एंड वेजिटेबल मैक्रोनी थी। मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने से किसी भी तरह की कोई भी मैक्रोनी नहीं थी बनाई हुई, ना पास्ता ना मैक्रोनी, कुछ भी नहीं। तो ना चाउमीन, हालांकि मुझे चाइनीज़ पसंद है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ खाया हुआ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए मैक्रोनी बना लेती हूँ। और साथ में यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि बारिश जो है वो थम चुकी है, लेकिन बारिश के बाद भी ना मौसम अच्छा ही रहता है आसमान पे। मतलब काले काले से बादल ऐसे उड़ रहे होते हैं। और उसके बाद फिर मैं गई हुई थी पार्लर, मैंने छोटी ईद पे भी और बकरा ईद पे भी बिल्कुल भी मेहंदी नहीं थी लगवाई हुई थी। जैसे आपको खाने की क्रेविंग होती है, मुझे इस तरह से मेहंदी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। मैंने जाके अपने एक हाथ पे एक साइड पे मेहंदी तो लगवा के अपना वो जो शौक था ना, वो जो क्रेविंग थी ना, उसको पूरा किया। फिर इसी तरह से दिन मेरा गुजरता चला गया और अभी हम लोग गए हुए थे, फिर शाम में हम लोग राजा साहब गए थे। राजा साहब हमारे घर से सिर्फ 5 to 7 minutes की डिस्टेंस पे है और मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। मतलब हैरत की बात है कि एक जो चीज़ है वो आपके घर से सिर्फ 5 to 7 minutes के डिस्टेंस पे और आपने कभी उसका विज़िट ही नहीं किया। तो आज मैं आई हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे किड्स जेंट्स लेडीज़ वैरायटी है और लेडीज़ ब्रांड 3 to 4 किस्म के ब्रांड यहाँ पर थे। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं ब्रांड के कभी शॉप पे घुस जाऊँ ना, तो मुझे ना कोई भी उनका डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा होता। अगर कोई डिज़ाइन अच्छा लग रहा होता है तो मुझे उसके कलर्स नहीं अच्छे लग रहे होते, कलर्स कम्बिनेशन नहीं अच्छे लग रहे होते। अच्छा, राजा साहब में एक तरफ ग्रॉसरी थी, बेसमेंट पे ग्रॉसरी थी और दूसरी साइड पे कॉस्मेटिक थी। और मुझे कॉस्मेटिक से लेनी थी मिस रोज़ की ये फाउंडेशन। अगर आप रीज़नेबल प्राइस में एक अच्छी कवरेज की फाउंडेशन लेना चाहते हैं ना, तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है आप मिस रोज़ की ले सकते हैं। ये क्लिप मेरा है जी लास्ट वीक का, और लास्ट वीक से अब तक मैं 3 to 4 times मिस रोज़ की इस फाउंडेशन को यूज़ कर चुकी हूँ। इवन के ऐसा कंसीलर भी मैंने यूज़ किया, मतलब कि अपने अंडर आइज़ सर्कल्स पे। बहुत अच्छी कवरेज है और इतने रीज़नेबल प्राइस में मिले थे। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने देख रही थी कुछ न्यूड लिप ग्लॉस वगैरह। अच्छा, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप मिस रोज़ की ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है ना, ऑफिशियल वेबसाइट, वहीं से जाके आप ये प्रोडक्ट खरीदें। वो बिल्कुल ओरिजिनल भी आएगी और आपको उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। मुझे ये यहाँ पे 500 to 550 के अराउंड में मिली थी, लेकिन इनकी जो मैंने वेबसाइट पे चेक करती हूँ ना, तो वहाँ पे 350-400 के अराउंड या इससे भी 300 to 350 के अराउंड आपको इजीली मिल जाती है। ये नेक्स्ट डे का क्लिप था। मैं यहाँ पे अपना एक ड्रेस स्टिच कर रही थी। मैं ज़्यादातर ड्रेस जो है वो अपने टेलर से ही स्टिच करवाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा मैं स्लीव्स की जो है अपनी मर्ज़ी से कोई अच्छा सा डिज़ाइन बनाऊँगी, तो इसलिए मैं इस ड्रेस को खुद ही स्टिच कर रही थी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं स्लीव्स के डिज़ाइन ज़रूर शेयर करूँगी। ये था मेरा एक छोटू सा व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। दीजिए अब मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।